एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं हर्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इजीली हर्ट का स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी होगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक हाफ हर्ट बनाते हैं जो कि एक नॉर्मल लाइफ में होता है। उसके बाद में क्या करते हैं, हम एक कप शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये बना लिया हमने कप शेप स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं क्या चीज़, आरटीएम। मतलब अपर वाला पार्ट हो गया हमारा आरटीएम, लोअर वाला पार्ट हो गया हमारा वेंट्रिकल। वेंट्रिकल ये हो गया हमारा एट्रियम, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, हम एक वॉल बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टम। सेप्टम बन गया। उसके बाद में क्या करते हैं, हमें हर्ट को फोर चैम्बर बनाना होता है। हमारा हर्ट फोर चैम्बर होता है, वो हम किसके थ्रू बनाते हैं, वॉल्व के थ्रू। इस वॉल्व को बोलते हैं हम ट्राइकस्पिड वॉल्व, इस वॉल्व को बोलते हैं हम बाइकस्पिड वॉल्व। अभी हो गया हमारा क्या, राइट एट्रियम, ये हो गया हमारा राइट वेंट्रिकल, ये हो गया हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक। उसके बाद में क्या करते हैं, हम एक टी शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि हमारा कहाँ पे खुलता है, राइट वेंट्रिकल में। ये बना लिया हमने टी शेप स्ट्रक्चर। इस टी शेप स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग तक लाता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम दो पाइप बनाते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम में और दो पाइप बनाते हैं राइट आर्ट्रियम में, ठीक। जो ये दो पाइप होते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम, उनको बोलते हैं हम क्या चीज, पल्मोनरी वीन्स। ये जो होते हैं ये लंग से होकर आते हैं। अब इस वाले पाइप को क्या बोलते हैं हम, इन्फीरियर वेना कैवा। ये क्या करती है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है बॉडी के नीचे वाले पार्ट से, ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं हम सुपीरियर वेना कैवा। ये क्या करती है, ये बॉडी के अपर पार्ट से लाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, किसमें, राइट एट्रियम में। उसके बाद लास्ट में क्या करते हैं, हम हमको एक हाफ एस शेप स्ट्रक्चर बनाना होता है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, एओर्टा, जो कि कहाँ पे आके खुलता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये क्या करता है, पूरे बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है। और फाइनल टच के लिए क्या करते हैं, हम सेप्टम को पैरेलली ड्रॉ कर देते हैं ऐसे। ये बन गया हमारा पूरा हर्ट का स्ट्रक्चर। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप इजीली हर्ट का स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा कि कैसे हर्ट वर्क करता है। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।